यहाँ पर आपको कैसा सुविधा लगा? बहुत अच्छा सुविधा है यहाँ। सबसे पहले यहाँ पर रुकने के लिए क्या क्या जरूरत होगा? यहाँ पर सबसे फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो अभी फिलहाल अभी हम आए हुए हैं पटना में, और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है महात्मा गांधी सेतु पुल, और इसके नीचे हम हैं। और अभी फिलहाल जा रहे हैं जहाँ पर मात्र फ्री में आप रुक सकते हैं, जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए आते हैं तो वहाँ पर रुक सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं मात्र 30 रुपये में, और वो चलिए कहाँ पर है तो उसका लोकेशन भी बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली आपका भाई आ चुका है उस जगह पर जहाँ पर फ्री में खाना और आना होता है। तो चलिए देख सकते हैं कि यही है, और यहाँ का मैं लोकेशन पर सबसे पहले बता दूँ तो ये गाय घाट की तरफ से जो रोड आता है तो इसके सामने है, और ये है महात्मा गांधी सेतु के नीचे ये बना हुआ है। तो चलिए अंदर चल के और देखते हैं कि इसमें क्या क्या फैसिलिटी दिया गया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं अंदर। तो देख सकते हैं सबसे पहले आइएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है निःशुल्क आश्रम स्थल अजीमाबाद अंचल पटना नगर, और जस्ट इसके सामने देख सकते हैं ये मधुबनी पेंटिंग बनाया हुआ है, और इस साइड भी देख सकते हैं। तो चलिए और अंदर आपको ले चल के दिखाते हैं। और यही रूम है, देख सकते हैं दो ठो, एक इधर बनाया गया है और एक इधर। तो हमारे साथ एक भाई है यहाँ पर देख सकते हैं। तो कहाँ से हैं भाई आप? हेलो गाइस, कहाँ से हैं आप? मैं सासाराम से। और क्या नाम आपका है? मेरा नाम मनमोहन है। तो यहाँ पर रुके हैं कितने दिन से? बस ये एक दिन हुआ अभी। यहाँ पर आपको कैसा सुविधा लगा? बहुत अच्छा सुविधा है यहाँ रहने के लिए, खाने के लिए। मान लीजिए कोई नया आदमी आ रहा है तो उसके लिए क्या क्या लग रहा है? और हाँ, तो यहाँ आउट ऑफ लोकेशन से होना चाहिए, आईडी होना चाहिए, और रहने का कोई प्रूफ होना चाहिए, मतलब कहाँ से आया उसका चक्कर है, आप स्टे कर सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है। चलिए ठीक है। तो चलिए भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और चलिए आपको दिखाते हैं अंदर रूम के कैसा रूम है, और किचन भी दिखाएंगे, और यहाँ के स्टाफ से भी बात करेंगे। अब भी देख सकते हैं फिलहाल हम जा रहे हैं इधर, और यहाँ पर है बाथरूम, और यहाँ पर स्नान घर है, और इस साइड है देखिए पुरुष का बनाया, पुरुष के लिए बनाया गया है बाथरूम, और उधर महिला के लिए बनाया गया है, और जस्ट इसके बगल में है किचन। तो चलिए किचन में देखते हैं और इधर क्या क्या है, चलिए चलते हैं। किचन देख सकते हैं, ये रहा किचन, और यहाँ पर देख सकते हैं ये है सब बर्तन वर्तन रखे हुए हैं, और इस साइड खाना बनता है, और इस साइड लोग बैठकर खाते हैं। तो यहाँ पर टेबल लगाया गया है कुर्सी अभी, तो आप यहाँ पर बैठकर खा सकते हैं। तो हमारे साथ एक है सर, और क्या नाम है सर आपका? संजय पंडित। तो संजय पंडित जी है, तो चलिए यही बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर रुकने के लिए क्या क्या जरूरत होगा? यहाँ पर सबसे लिए रिश्ता है ना, जो आधार कार्ड की कॉपी लगता है। अच्छा, आधार कार्ड और? हाँ, आधार कार्ड के जीरोक्स लगता है आपको खाली, ठीक है ना। रहने का व्यवस्था है, सब्जी का व्यवस्था है यहाँ पर, और इसके बाद में खाना है 30 रुपये प्लेट, ठीक है ना। 30 रुपये? हाँ, 30 रुपये सब दोनों। नहीं, एक टाइम का खाना है 30 रुपये प्लेट, शाम में या हाँ शाम में चाहे सुबह में, ठीक है ना। उसके बाद में सब चीज़ का व्यवस्था है यहाँ पर, अपना लॉकर है, सब लॉकर है, अपना अपना रखते हैं सामान। अच्छा, किचन के सामने हो गया ये किचन? हाँ, किचन हो गया, एक कैमरा सामने है, ये कैमरा। हाँ, और यहाँ पर वीडियो भी चलता है ना? हाँ, वीडियो भी चलता है। ये भाई देख सकते हैं टीवी, यहाँ पर वीडियो भी चलता है। अभी देख सकते हैं ये कैमरा लगा है चार ठो, और अभी लाइव कैमरा चल रहा है, देख सकते हैं। तो ये है लाइब्रेरी, और देख सकते हैं यहाँ पर बेंटल भी रखा हुआ है कि आप यहाँ पर आते हैं तो खेल भी सकते हैं, और यहाँ पर किताब भी पढ़ सकते हैं। और ये है लाइब्रेरी, और इस साइड है किचन, देख सकते हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि रूम कैसा है यहाँ का। अब भी हम आ चुके हैं, ये देख सकते हैं दोनों साइड बनाया गया है ये रूम, और ये है महिलाओं के लिए, और ये है पुरुषों के लिए। तो चलिए कमरा नंबर 1 में चलते हैं, और ये बनाया गया है पुरुषों के लिए। तो चलिए चलते हैं अंदर, और उसमें क्या क्या है आप लोग को दिखाते हैं, और कैसा रूम है।
तो अभी हम आ चुके हैं रूम में और ये देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पर बेड लगाया गया है। और इन साइड देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉकर रखा गया है, क्योंकि अगर आप आते हैं और सामान कुछ मांगा वगैरह रखे तो यहाँ पर रख सकते हैं। और बेड पर देख सकते हैं क्या क्या मिलेगा, एक मच्छरदानी मिलेगा और एक ओढ़ने के लिए और एक देख सकते हैं पिल्लो मिलेगा यहाँ पर। और भाई यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर बेड पर रुके हुए हैं, तो यहाँ पर आइए एक भाई से पूछते हैं। तो सबसे पहले कहाँ से आए? झारखंड से। झारखंड से? हाँ, मुझे यहाँ 3 से 4 दिन हो गए, हम भी ब्लॉग बनाने आए थे यहाँ पे। अच्छा। तो रुके और एग्ज़ाम भी कुछ मतलब था तो आए यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम आए थे। और यहाँ हम लोग खाना भी खाते हैं, यहाँ पर फ्री भी मिलता है खाना, 30 रुपये ज़्यादा नहीं, और रहने का फ्री है। अच्छा, काफ़ी अच्छा रहता है, साफ़ सफाई भी मस्त है और होटल से बेस्ट है यहाँ पे, रहो अपना घर जैसा लगता है। हम लोग अभी और 1 से 2 दिन रहेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। तो झारखंड से आए थे, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। तो चलिए भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो देख सकते हैं ये भाई झारखंड से आए हुए थे, तो ये भी भाई रुके हुए थे, तो इनसे हम पूछ लिए। तो चलिए